ओके, तो टॉप कोट ने क्या बताया है कि जो कीस्टोन स्पेसीज है, और यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कीस्टोन स्पेसीज जो कि एलिफेंट्स, एलिफेंट्स, तो यहाँ पे उन्होंने एक डेडिकेटेड एलिफेंट कॉरिडोर स्टेब्लिश करने के लिए बताया है। क्योंकि क्या होता है कि उस पाथवे से जब ह्यूमंस जाते हैं तो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट होता है, और दैट इज जस्ट अ थ्रेट। तो उनको प्रिजर्व करने के लिए, बिकॉज दे आर द कीस्टोन स्पेसीज दैट इज इमेंसली इम्पोर्टेंट टू द एनवायरमेंट, तो उनको प्रिजर्व करने के लिए एक एलिफेंट को प्रोटेक्ट माइग्रेटरी पाथ बनाया जाएगा, दैट इज एलिफेंट कॉरिडोर। तो उसी से रिलेटेड ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व पे क्वेश्चन है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व क्या लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया है? तो बिल्कुल सही बात है। ये किस किस अरे स्टेट में लाई करता है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, इन विच स्टेट्स नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व्स? तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु। कर्नाटक एंड केरला, अरे वाह, तमिलनाडु, कर्नाटक। कर्नाटक एंड केरला। इससे खूबसूरत एक और बातें हैं, ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को कनेक्ट करता है, यस सर। वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट को ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कनेक्ट करता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इज स्प्रेड अक्रॉस तमिलनाडु, कर्नाटक एंड केरला, तो अगर आपको पता है तो सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। एंड साइगुर प्लेट्यू विच सस्टेन्स एलिफेंट पॉपुलेशन कनेक्ट्स द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट, तो ऑल थ्री आर करेक्ट, तो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और इसी प्लेट्यू को जो होता है ना, वो एलिफेंट क्रॉस करता है, व्हाई? इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर, इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। तो यहाँ पे एक डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाया जाए, एलिफेंट कॉरिडोर बनाया जाए। ऑल आर करेक्ट, यस, डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑल आर करेक्ट। सर एक क्वेश्चन था उसी भी सर। हेलो यस, सर, सर अलग अलग बुक में सर सर अलग अलग लिखा हुआ है सर। ये हाईएस्ट पीक का सर ईस्टर्न घाट, हाईएस्ट पीक का वेस्टर्न घाट, और सर हाईएस्ट पीक का ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया सर। ये कंफ्यूजन क्रिएट है, किसी में सर अनाईमुदाई दी है, किसी में सर डियोबेटा दी है सर, थोड़ा इसको सर बताइए प्लीज। क्या क्या आपने पूछा? सर ये है ना सर, ये क्वेश्चन जो है सर, सर कई बुक्स में दिया है कि सर जैसे हाईएस्ट पीक का वेस्टर्न घाट, ठीक है ओके, सर, हाँ सर कहीं में दिया हुआ अनाइम भाई, कहीं में सर दिया, कहीं सर कई जगह लिखा हुआ डियो, डीडो बीटा, डीडो सर, डीडो बीटा दे पता नहीं क्या दो, नाम है सर, डेडो डीडो बेटा। बीटा, यस सर। सर ईस्टर्न घाट का भी सर महेंद्रगिरी है, तो सर ये पूरा जो सर हमारा इंडियन पेनिनसुलर है सर, उसका क्या हाईएस्ट पीक है सर, थोड़ा ये कंफ्यूजन है सर थोड़ा। चलिए, वेस्टर्न घाट का जो हाईएस्ट पीक है ना, वो आपने क्या पढ़ा है आई डोंट नो, बट वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक अन्नामुडी है। वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक क्या है, वो अन्नामुडी है। ये जो आप बोल रहे हो डोडा बेटा, डोडा बेटा नीलगिरी रेंज में लाई करता है, बट हाईएस्ट पीक वेस्टर्न घाट का अगर पूछा जाएगा तो दैट इज अन्नामुडी, जो कि केरला में लाई करता है। सर अन्नामुड़ी जो है ना सर, वो वेस्टर्न घाट्स का भी हाईएस्ट है और इंडियन पेनिनसुला का भी हाईएस्ट है। यस, अगर क्वेश्चन आएगा वेस्टर्न घाट्स पे, वहां पे भी अन्नामुड़ी आएगा, अगर इंडियन पेनिनसुला आएगा वहां पे भी अन्नामुड़ी आएगा, ईस्टर्न घाट्स का अगर आएगा वो अलग है। इंद्रगिरी यस, ईस्टर्न घाट का अलग है। ईस्टर्न घाट का क्या है? तो सॉरी, सर, महेंद्रगिरी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ उड़ीसा सर, और ईस्टर्न घाट महेंद्रगिरी इज द ना हाईएस्ट, यस सर, ना ना ना, यस सर। महेंद्रगिरी। सर वो जिंगा बीटा तरह से ऐसे नाम सर है कोई यस, चीज। सर तो जिंदा जिंदा गढ़ा। हाँ सर जिंगा सही है। सर महेंद्रगिरी नहीं है, महेंद्रगिरी हाईएस्ट पीक ईस्टर्न घाट का अब नहीं कंसीडर किया जाता है, इट इज जिंगाड़ा जिंदगढ़ पीक। और ये इससे रिलेटेड तो न्यूज भी था, अगर आपने अगर पढ़ा होगा तो इससे रिलेटेड न्यूज भी था, और उसको भी मैं आपको कवर कराऊंगा, इस न्यूज को राइट सर, राइट। बहुत रिसेंटली ये न्यूज में भी आया था।
तो आपको महेंद्रगिरी बताया गया है क्या ईस्टर्न घाट का? ओ सर 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 कई जगह सर गड़बड़ा सर, कई बुक्स में सर कुछ दिया हुआ है सर, कई सर वेबसाइट पे कुछ दिया सर, यस, उसकी वजह से कंफ्यूजन हो रही है सर। महेंद्रगिरी पहले था, अगर आपको बताया गया तो वो ओल्ड डेटा है, अब वो राइट चेंज सर हो चुका है, और उसका डोडा बीटा नहीं है, उसका अन्ना मोदी है। राइट सर, थैंक यू सर। जी, किसी का माइक ऑन है ना, खटखट का आवाज आ रहा है, प्लीज उसको ऑफ कर लीजिए। ओके, लेट्स सी द आंसर। जिनको आता था उन्होंने आंसर कर दिया, तो मैंने टाइम भी दिया आंसर करने के लिए। अभी एशियाटिक चीता। ओके, अरे वंडरफुल, यू नो दैट इट सर्वाइव ओनली इन ईरान, तो अकॉर्डिंग टू दिस आपका ऑप्शन नंबर वन जो है वो गलत हो जाता है। यस, और ऑप्शन नंबर वन गलत होता है तो टू एंड थ्री इस बेसिस पे आप आंसर इसको कर सकते हैं। इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पेसीज में क्लासिफाई किया गया है। एशियाटिक चीता जो है ना वो अब सिर्फ और सिर्फ ईरान में पाया जाता है। ये जो एशियाटिक चीता है ना, ये पहले वास्ट फॉरेस्ट और ग्रासलैंड्स में ये रोम करता था, जिसको 1950s में ही एक्सटिंक्ट के फॉर्म में इसको डिक्लेयर किया गया था, इट इज गोइंग टू एक्सटिंक्ट। ठीक है, ये चीता का स्पेशलिटी क्या होता है, ये बहुत ही लाइटर वेट का चीता होता है, इसका जो हेड भी होता है वो काफी छोटा होता है, और इसका जो लेग्स भी होता है वो काफी छोटा होता है, और इसको बहुत ज्यादा थ्रेट मिल रहा था। थ्रेट बाय हुम? तो ह्यूमन मैन मेड कंफ्लिक्ट के कारण जो थ्रेट होता है, ह्यूमन और वाइल्ड एनिमल्स में आप थ्रेट देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे हैबिटेट लॉस इनका हुआ, इनके स्किन्स के लिए इनको मारा जाता था, रोड पे भी इनको किल किया जाता था, तो इस कारण से इनको क्रिटिकली इंडेंजर्ड किया गया IUCN रेड लिस्ट में। पहले 1950s में इनको एक्सटिंक्ट का डिस्टिंक्शन दिया गया था, और अभी एशियाटिक चीता जो है वो सिर्फ और सिर्फ ईरान में लाई करता है। वे IUCN का लिस्ट निकला था, उसमें ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज में डाला गया है एशियाटिक चीता, तो दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज। और बस अगर आपको ये पता है कि एशियाटिक चीता इज बिलीव टू सर्वाइव टूडे ओनली इन ईरान नॉट इन चाइना, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो जिन्होंने भी, जिनको भी ये पता होगा ईरान के बारे में, वो लोग सब कोई आंसर करेक्ट कर लिया होंगे। चलिए,
ओके नो आइडिया. चलिए लेट मी टेल यू द आंसर. गवर्नमेंट का जो बजट आया है उसमें अगर आपने पढ़ा होगा 1.7 लाख करोड़ रुपीज फ्रॉम स्टेक सेल से आया है. और जब गवर्नमेंट अपना स्टेक सेल करती है, मैंने आपको पढ़ाया था ना, डेट नॉन डेट टैक्स और नॉन टैक्स. तो इसमें मैंने आपको कल बताया था ना कि डेट तो मतलब हो गया बोरोइंग. नॉन डेट अगर आपको समझ आएगा तो मैं बता दूं डिसइन्वेस्टमेंट, और अगर अभी इतना समझ नहीं आ रहा है तो आप ग्रांट समझ लीजिए. तो ये नॉन डेट क्या है? एक डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो गवर्नमेंट अभी ये डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी अभी एडॉप्ट की हुई है. इसमें गवर्नमेंट का जो स्टेक होता है ना, गवर्नमेंट अपने स्टेक को सेल करती है. जस्ट लाइक गवर्नमेंट का NTPC में 100% स्टेक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इस 100% स्टेक में 20% स्टेक को गवर्नमेंट ने सेल कर दिया. तो जब गवर्नमेंट इस स्टेक को सेल कर रही है तो ये पैसा गवर्नमेंट के पास आ रहा है स्टेक सेल करके, स्टेक सेल करके. ठीक है, इसी को कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट. डिटेल में मैं इसको आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाऊंगा डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या होता है. ठीक है, तो यही है. तो अभी गवर्नमेंट ने इस डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी में कुछ स्ट्रेटेजिक सेक्टर को पुट किया है फॉरवर्ड. ठीक है, इस स्ट्रेटेजिक सेक्टर में वो सेक्टर्स कौन कौन सा है, तो आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा अभी किस चीज पे बहस चल रहा है, बैंकिंग सेक्टर पे. यस, तो इसमें भी थ्री ऑप्शन नहीं है, इसमें भी थ्री ऑप्शन नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता और ये हो ही नहीं सकता है. बचा क्या, C&D. तो यही चार सेक्टर्स हैं जहां पे फोकस किया गया है, ट्रांसपोर्ट टेलीकॉम्युनिकेशन, एटमिक एनर्जी, स्पेस एंड डिफेंस, बैंकिंग इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, पेट्रोलियम, कोल एंड अदर मिनरल्स. यहां पे चार जगह पे इसको फोकस किया गया है जहां पे गवर्नमेंट अपना स्टेक सेल कर रही है. और स्टेक सेल करके आप देख रहे हो 1.7 लाख करोड़ रुपीज. तो गवर्नमेंट ने बोला है या तो हम इसको प्राइवेटाइज कर देंगे, या हम इसको मर्ज करेंगे, या हम इसको सब्सिडराइज कर देंगे. तो ये गवर्नमेंट का अभी का डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी, इसी को बोल रहे स्ट्रेटजिक डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी. तो इसमें कौन कौन से सेक्टर्स आएंगे, ट्रांसपोर्ट टेलीकॉम्युनिकेशन भी है, एटमिक एनर्जी, स्पेस और डिफेंस भी है, बैंकिंग इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सर्विसेज भी आ रहा है, पेट्रोलियम, कोल एंड अदर मिनरल्स भी आ रहा है. ठीक है, हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन HKC. ठीक है, ये क्यों न्यूज में है, ये क्या, ये न्यूज में था हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन? ये न्यूज में तो था नहीं, फिर क्यों आया? तो ये
जी आपका माइक ऑन है. What was there? तो देखिए गवर्नमेंट ने अभी क्या बोला है अपने बजट में, यूनियन बजट जो इनका 2020-21 का आया है उसमें गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि गवर्नमेंट 1.5 लाख जॉब्स को जनरेट करेगी. 1.5 लाख जॉब्स को भाई कहाँ से जनरेट करेगी, 1.5 लाख जॉब्स को. तो सिर्फ और सिर्फ सिर्फ रिसाइकलिंग, क्योंकि गवर्नमेंट क्या फोकस करिए सिर्फ रिसाइकलिंग को डबल किया जाए बाय 2020-24. तो बाई 2020-24 गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू मेक 1.5 लाख, टू क्रिएट 1.5 लाख जॉब्स बाई डबलिंग द सिप रिसाइकलिंग. सिप को रिसाइकिल करना है. अब ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था सिप रिसाइकलिंग का, तो ये हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन का एक कॉन्सेप्ट था जो 2009 में इसको एडॉप्ट किया गया था. और इस कॉन्सेप्ट में क्या बताया गया था कि जो भी सिप होते हैं ना, जो भी आपका जहाज होता है सिप, आप लोग देखे होंगे सिप, तो उसका जब लाइफ एंड हो जाता है ना, तो उसके बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनको आप रीयूज करके फिर से आप एक नया सिप तैयार कर सकते हो. तो ये हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन, काफी कंट्रीज ने इस कन्वेंशन में पार्टिसिपेट किया था, नियरली 65 कंट्रीज ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, और उन सबको ये कॉन्सेप्ट काफी अच्छा लगा था. ये हांगकांग का एक इनिशिएटिव था, ठीक है. उसी को अभी इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया है कि सिप रिसाइकलिंग तो किस मेथड मॉडल पे किया जाएगा, तो हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन मॉडल जो उस टाइम पे जो एस्टेब्लिश किया गया था उसी मॉडल पे किया जाएगा. तो ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर सेफ एंड एनवायरमेंटली साउंड सिप रिसाइकलिंग, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. देखिए कहाँ से क्वेश्चन लिंक होता है और कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है. ये 13 था ना. अगर इस चारों ऑप्शन को अगर आप पढ़ लेंगे ना, आपको कुछ नहीं पता है रेलवे सेल्स के बारे में, कुछ नहीं पता है, नथिंग, भूल जाइए ये क्वेश्चन भी क्या दे रखा नहीं पता है. सिर्फ इस ऑप्शंस को पढ़ लेंगे ना तब भी आप ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं. दो ऑप्शन को तो आप हटा ही सकते हैं, जो जो दोनों ऑप्शन है ना वो बिल्कुल एब्सर्ड सा ऑप्शन है. चलिए देखते हैं. मोस्ट ऑफ द पीपल आप लोग ए ए बता रहे हैं. ये देखिए, इट हैज स्टीडली इंक्रीज सिंस फाइनेंशियल ईयर 2018 का बात हो रहा है, 2018 से ये इंक्रीज हो रहा है, और फाइनेंशियल ईयर 2020-22 में ये मार्जिनल इंक्रीज हुआ. इसका क्या मतलब हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है और फिर इंक्रीज हुआ, ऐसा कोई क्वेश्चन सेट किया जाता है क्या? या तो इंक्रीज हो रहा होगा डिक्रीज हुआ हो, या तो डिक्रीज हो रहा होगा इंक्रीज हुआ होगा, क्वेश्चन ऐसे ही सेट किया जाता है ना. तो ए और डी तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया,
इट हैज स्टीडली इंक्रीज सिंस फाइनेंशियल ईयर 2018 से अभी तक का हम बात कर रहे हैं, अभी तक क्या देखा गया है कि उसमें ग्रोथ देखा गया है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्टडी का मतलब ये होता है धीरे धीरे ग्रोथ देखा गया है, ठीक है, तो स्टीडली इंक्रीज तो देखा गया है, और अभी फाइनेंशियल ईयर 2020-22 में क्या हुआ है, ये मार्जिनल डिक्लाइन देखा गया है, मार्जिनल डिक्लाइन। तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये आप खुद पढ़ के आपको फील होगा कि अभी का बात हो रहा है कि 2018 से अभी तक देखा गया इंक्रीज हुआ और फिर 2022 में भी इंक्रीज हुआ, ये किस तरीके का क्वेश्चन है। 2022 तक देखा गया कि ये डिक्रीज हुआ और 2022 में भी डिक्रीज हुआ, ये कुछ ऑप्शन एब्सर्ड से नहीं लग रहा है, ये क्या ऑप्शन हो सकता है। तो ये तो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए डाला गया है, और ऑप्शन ए ही आप लोग देख के कंफ्यूज हो गए और आप लोग उसका ए टिक कर दिए। अभी तक इंक्रीज हो रहा था और अभी मार्जिनल डिक्रीज देखा गया है, क्या इंक्रीज हो रहा था अभी का हम बात कर रहे हैं, तो अभी तक इंक्रीज हो रहा था, अभी भी इंक्रीज देखा गया। तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसका मतलब क्या, इट्स हाई मार्जिन इंक्रीज, इट्स सपोर्टिव मार्जिन इंक्रीज, मार्जिन इंक्रीज, मार्जिन अभी तक इंक्रीज हो रहा था, एक पे तो सा है एक तो सपोर्ट है, सपोर्ट है, दोनों ऑप्शन एक, सर दोनों ऑप्शंस में एक ही जैसा है ना, एक पे सा लिखा है दूसरे पे सपोर्ट लिखा है, व्हाट्स द डिफरेंस, सपोर्ट यहां पे इंक्रीज और यहां पे डिक्लाइन है। अरे रीड द स्टेटमेंट सर, इंक्रीज डिक्लाइन, got it? Yes sir, ये सौ लिखा है और ये सफर लिखा है, इस पे थोड़ी बात कर रहा हूँ, इंक्रीज और डिक्लाइन, मार्जिन थोड़ा सा भी घटा है, जिन लोगों को सेस का मतलब पता होगा, नहीं पता होगा उनको बता दूं, सेस क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ टैक्स होता है जब गवर्नमेंट को टैक्स, टैक्स सर, यस, जब गवर्नमेंट को किसी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, किसी हेल्थ सेक्टर पे या एजुकेशन सेक्टर पे, कोई सोशल सेक्टर पे अगर गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट करना होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, सर्टेन कमोडिटी पे सेस टैक्स लगाती है, सेस टैक्स, वो टैक्स डायरेक्टली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जाएगा, हेल्थ सेक्टर के लिए जाएगा, एजुकेशन के लिए जाएगा, सोशल सेक्टर के बेनिफिट्स के लिए जाएगा, तो वो अल्टीमेटली पब्लिक के बेनिफिट के लिए होता है, ये जो सेस टैक्स लगता है ये पब्लिक के बेनिफिट के लिए होता है। जैसे सपोज करिए आपने 100 रुपीज का पेट्रोल लिया, तो अभी पेट्रोल पे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 2.5 रुपीज सेस है, सेस, तो हर एक लीटर पेट्रोल पे 2.5 रुपया गवर्नमेंट के पास जाएगा, और ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को सेट करने के लिए होगा, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा इसके डेवलपमेंट के लिए है, ठीक है। तो अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारे आइटम्स पे ये सब लगाए हैं, सेस टैक्स लगाया है, उसमें ये पेट्रोल भी है, डीजल भी है, एप्पल भी है, अल्कोहल भी है, और भी बहुत सारा है, पाम ऑयल, जो भी क्रूड ऑयल होता है, सोयाबीन ऑयल, गोल्ड, यस, गोल्ड और सिल्वर पे भी लगाया गया है, गोल्ड और सिल्वर पे भी लगाया गया है, चलिए बहुत सही, गोल्ड एंड सिल्वर। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी, 1, 2, 3, 4।
है, तो जितने सारे पे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस लगाए आप लोग देख ले, ये मोस्टली यही है, पेट्रोल डीजल एप्पल अल्कोहल जितने भी तरीके का क्रूड ऑयल होता है, पाम ऑयल होता है, सोयाबीन ऑयल होता है, उन सब पे लगाया गया, गोल्ड और सिल्वर पे लगाया गया है। ठीक है, जो चना जो आप लोग ग्राम्स जो कंज्यूम करते हैं ना, उस ग्राम्स वगैरह पे भी लगाया गया ये सेस। सर इसमें एप्पल भी है? एप्पल भी है, यस एप्पल भी है। अब आपने ये सब देखा ना, आपको कैसे पता चलेगा कि सर एग्जाम में क्या सब कुछ याद रखेंगे? तो नहीं, सेस टैक्स जो इस पे लगाया गया ना, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस जो लगाया गया ना, ये बेसिकली उन सारे प्रोडक्ट्स पे लगाया गया है जिसका पॉपुलेशन का काफी ह्यूज इम्पैक्ट होता है, जिसको हम डे टू डे बेसिस पे कंज्यूम करते हैं, उन सब चीजों पे ये लगाया गया है। तो जिसका जिसका ह्यूज पार्ट पॉपुलेशन इस चीज पे डिपेंड करता है, उन सब चीजों पे लगाया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा सेस आए, ज्यादा से ज्यादा आपका एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को सेट किया जाए। इसलिए आप देख रहे हैं जो भी खाने वाले कॉमोडिटीज है जनरली उन पे लगाया गया है। और आपको पता है इंडिया में गोल्ड और सिल्वर, ये तो भाई जहां भी शादी हुआ वहां तो गोल्ड और सिल्वर, तो ऐसा तो डिमांड कहीं है ही नहीं। यस वेल डन, चलिए बहुत होगा, करेक्ट हो रहा है। प्रधानमंत्री अन्नदाता, अन्नदाता मीन्स इट इज रिलेटेड टू फार्मर, अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। अब ये आय से रिलेटेड मतलब इनकम से रिलेटेड है। ओके okay. तो ये क्या है, ये एक अम्ब्रेला स्कीम है, इसके अंदर काफी सारे स्कीम्स इंक्लूड किए गए हैं। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान ये किस चीज पे फोकस करेगा? तो ये फोकस करता है स्पेशली फार्मर्स के एमएसपी के लिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस टू फार्मर्स, टू इंश्योर मिनिमम सपोर्ट प्राइस टू फार्मर्स। ये जो स्कीम है इसके थ्रू क्या होगा कि फार्मर्स का जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है ना, उस पे उनको एडिक्वेट रिटर्न्स मिले, एडिक्वेट रिटर्न्स मिले, जो उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जितना कॉस्ट लग रहा है किसी चीज को प्रोड्यूस करने पे, उसके ऊपर उनको एडिक्वेट रिटर्न मिले। इसी कारण से प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान आया, जिसमें बहुत सारे स्कीम्स को इंटीग्रेट किया गया है। ठीक है, तो ये एक तरीके का पायलट स्कीम है, काफी अच्छा इनिशिएटिव है, टू इंश्योर मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस टू फार्मर्स। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सर, यस और सर अगर ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस सर दे रहे हैं तो सर ये अभी सर ये फार्मर प्रोटेस्ट क्यों है यस, सर? तो फार्मर्स समझ नहीं आ रहा सर। फार्मर्स प्रोटेस्ट अभी क्यों हो रहे हैं? फार्मर्स सर प्रोटेस्ट सिर्फ एमएसपी पे नहीं है, फार्मर्स प्रोटेस्ट क्या है कि अभी इनको चैनलाइज किया जा रहा है, एमएसपी को चैनलाइज इन द सेंस कि इनका जो भी लोन्स वगैरह होगा ना, यहाँ पे जो मिडिल मैन है ना, मिडिल मैन को खत्म करने का बात किया जा रहा है। जो मिडिल मैन होते हैं, जैसे आप मंडी वगैरह जाते हो, कभी आप मंडी वगैरह गए हो इस तरीके से? तो अगर आप यस सुबह मंडी वगैरह जाओगे ना, तो वहां पे क्या होता है कि बहुत सारे मिडिल मैन होते हैं जो इन फार्मर्स का बोली भी लगाते हैं, इनको प्रोटेक्ट भी करते हैं। तो अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट कह रही है कि हम इस मिडिल मैन को खत्म करेंगे। तो एक तरफ से ये मिडिल मैन खत्म करना सही है, लेकिन दूसरे तरफ से क्या है कि अगर ये मिडिल मैन खत्म हो जाएंगे ना, तो फार्मर्स डायरेक्टली इसको अप्रोच नहीं कर सकते हैं, जो मार्केट है फार्मर्स उनको डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते, और ये मिडिल मैन इनको बहुत सारा हेल्प भी करती है रिगार्डिंग लोन्स एंड ऑल। ठीक है, तो यहाँ पे मिडिल मैन भी फार्मर्स का बहुत सारा जो क्रॉप्स जो होता है ना, जो
अनसेल्ड होता है उनको मिडिल मैन परचेज करके और मार्केट में सेल करने का भी कोशिश करता है। तो इस मिडिल मैन को खत्म करने से ना फार्मर्स का प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि यहाँ से उनका एमएसपी खत्म हो जाएगा और ये लोग बार बार इस एमएसपी पे फोकस कर रहे हैं। लेकिन एमएसपी यहाँ पे खत्म नहीं होगा, लेकिन इनका भी कहना सही है कि मिडिल मैन अभी इंडिया इज नॉट रेडी, इंडिया इतना डेवलप नहीं हुआ है कि आप एक ओवरऑल मंडी सेटअप करेंगे वहां पे फार्मर्स डायरेक्टली मार्केट से लिंक कर पाएंगे, इतना ज्यादा भी इंडिया डेवलप नहीं हुआ है। तो उससे रिलेटेड प्रोटेस्ट चल रहा है और इस प्रोटेस्ट का सबसे ज्यादा खामियावा हम लोग भुगत रहे हैं। मेरे घर से जस्ट 1 किलोमीटर दूर पे एनएच पे ये लोग बैठे हुए हैं और मुझे जब जाना होता है तो एनएच छोड़ के वो नीचे से रास्ता है वो लेके जाना होता है, तो डेली का आधा घंटा खराब होगा जब भी मैं उधर जाऊंगा। इस क्वेश्चन को तो आपको बिना याद किए हुए आप कर ही नहीं सकते हैं, ये काफ़ी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपको पूरा याद ही करना होगा। देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पीएम फॉर प्राइम मिनिस्टर्स, एसटी फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड आईएसी फॉर इनोवेशन एडवाइजरी, सी फॉर काउंसिल। प्राइम मिनिस्टर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल, ठीक है। इसमें प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया है तो 9 मिशन को सेट किया है इसके अंदर, 9 मिशन। और ये 9 मिशन किसके तरफ इंडिकेट करता है तो टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ है, 9 मिशन है, तो चलिए सारा 9 मिशन आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, वेस्ट टू वेल्थ है, तो क्या ये होगा वेस्ट टू वेल्थ, यस है। नेशनल बायोडाइवर्सिटी है, और क्या है तो और आप लोग याद कर लीजिए, नेचुरल लैंग्वेज ट्रांसलेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेशनल बायोडाइवर्सिटी मिशन, क्वांटम फ्रंटियर, बायोसाइंस फॉर ह्यूमन हेल्थ, एंड अग्नि एंड डीप ओशन एक्सप्लोरेशन। कितना हुआ, 1 2 3 4 5, अच्छा ये तो ये लिख दिया, 6 7 8 9, तो टोटल 9 मिशन है। ये 9 मिशन आपको याद रखना होगा, काफी इंपॉर्टेंट है और इस 9 मिशन से क्वेश्चन इसी तरीके से बनेगा कि कौन इसमें से नहीं है। ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन इसमें से है, हो सकता है ये भी पूछा जाए कौन इसमें से हो, तो वहाँ पे 1 2 1 2 3 1 2 3 4 इस तरीके से होगा। लेकिन ये जनरली इस तरीके से जब कोई भी 5-6 होते हैं ना तो उसमें ऐसे पूछा जाता है कि विच इज नॉट वन ऑफ देम, ठीक है। तो आपको ये 9 फुल फॉर्म रिपीट कर प्लीज। चलिए फुल फॉर्म, प्राइम मिनिस्टर्स, एसटी फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आई फॉर क्या होगा, आप खुद से फुल फॉर्म बनाइए, आई फॉर क्या होगा, किस चीज पे फोकस किया जाएगा, कुछ इनोवेट करने जा रहा है ना, इनोवेशन, ए फॉर एडवाइजरी एंड सी फॉर काउंसिल। इसमें 9 मिशन अभी प्राइम मिनिस्टर्स ने सेलेक्ट किए हैं, ये यही 9 मिशन question. Okay.
ओके, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट ये पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। ये रिपोर्ट क्या बताता है? तो जो भी ग्लोबल रिस्क को स्टडी करता है